हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं DHT के बारे में। क्या DHT बढ़ जाने की वजह से हमारा हेयर फॉल होता है, हेयर थिनिंग होता है या नहीं होता है, और अगर होता है तो इसका क्या नेचुरल उपाय है जिससे हम अपना DHT लेवल को कम कर सकें और अपने हेयर फॉल को होने से रोक सकें। अपने बहुत ज़्यादा एक्सेस जिनके हेयर फॉल हो रहे हैं वो अपने हेयर फॉल को रोक सके। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं आदित्य शुभम। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है DHT हार्मोन के ऊपर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि DHT के हार्मोन के बढ़ जाने की वजह से हमारा हेयर फॉल होता है या नहीं होता है। तो गाइज, मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ कि हाँ, DHT के बढ़ जाने के कारण हमारा हेयर फॉल होता है। तो होता कुछ ये गाइज कि जब DHT बढ़ जाता है तो वो हमारे ब्लड में तो नॉर्मल रहता है, नॉर्मल तरीके से फ्लो करता रहता है DHT, लेकिन जब वो DHT हमारे स्कैल्प के ऊपर पहुंच जाता है तो हमारे स्कैल्प में धीरे धीरे DHT हार्मोन जो है चिपकने लगता है, और इसके वजह से वहां पे बहुत ज़्यादा DHT, और DHT हमारे हेयर फॉलिकल के लिए, हमारे रूट्स के लिए, हेयर के रूट्स के लिए बहुत ज़्यादा खराब चीज़ है। इसी के वजह से हमारा हेयर थिनिंग होता है, हेयर फॉल होता है। ये कॉमन प्रॉब्लम है मेल में, और ये प्रॉब्लम फीमेल में भी होता है, लेकिन किन्हीं केस में होता है, लेकिन ये मेल में एकदम कॉमन है, बहुत कोई को ये प्रॉब्लम होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया कि DHT आखिर होता क्या है और हमारे ये हेयर रूट्स को कैसे नुकसान पहुंचाता है। और अगर आप इस पे एक डिटेल पर्सनल वीडियो चाहते हो सिर्फ इसी टॉपिक पे, तो आप मुझे नीचे कमेंट करना, तो मैं DHT पे एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं गाइस की, तो अब हम क्या करें कि हमारा DHT लेवल कम हो। गाइस, जो भी डॉक्टर्स होते हैं वो तो हमें बताते हैं कि बहुत सारे मेडिसिन होते हैं, जैसे फेनिस्टेराइड, इस तरह के मेडिसिन होते हैं जो हमारे DHT लेवल को हमारे बॉडी से कम करते हैं, लेकिन गाइस इनका साइड इफेक्ट्स भी होता है, इसलिए मैं तो इन्हें यूज़ करने का रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर आप इसे यूज़ करते हो तो इसमें आपका पूरा का पूरा जिम्मेवारी होगा। अगर आप टैबलेट लेना चाहते हो ले सकते हो, लेकिन अपने जिम्मेवारी पे। तो अब बात करते हैं कि अपने DHT हार्मोन को नेचुरली ब्लॉक कैसे करें। तो DHT को ब्लॉक करने के लिए मैं एक नेचुरल चीज़ है जो आपके घर में हमेशा यूज़ होता होगा, किसी भी चीज़ को बनाने के टाइम उसको यूज़ किया जाता है, वो है फेनेग्रिक सीड, मतलब कि मेथी के दाने, जो मैं पिक्चर अभी दिखा रहा हूँ उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप जाके वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आखिर मेथी का दाना होता क्या है या फेनोग्रिक सीड होता क्या है। तो गाइस, आपको कैसे यूज़ करना है फेनोग्रिक सीड को अपने स्कैल्प पे, तो वह अभी मैं बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि आपको एक कटोरी में पानी लेना है और एक चम्मच भर के फेनोग्रिक सीड या मेथी का दाना उसमें डाल देना है, और उसको 24 घंटा के लिए उसी पानी में छोड़ देना है। 24 घंटा में वो पूरा फूल जाएगा। फूलने के बाद क्या करना है कि उस जो पानी जो थोड़ा चिपचिपा हो जाता है, आपको उस पानी को यूज़ करना है। फेनोग्रिक सीड को अभी आपको यूज़ नहीं करना है, उसको बाद में यूज़ करना है। सबसे पहले आपको उसका पानी को यूज़ करना है। तो सिर्फ उसका पानी को आप यूज़ मत कीजिएगा। उस पानी में सब बहुत अच्छा रहेगा कि आप एलोवेरा जेल मिला दीजिए, और इतना ध्यान रखिएगा कि आपका जो एलोवेरा जेल है वो नेचुरल हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेचुरल एलोवेरा जेल जो बाज़ार में मिलता है उसका मैं बताऊं, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके उस लिंक से एलोवेरा जेल खरीद सकते हो। नहीं तो सबसे अच्छा रहेगा गाइस, आप पेड़ से एलोवेरा को काटिए, काटने के बाद उस एलोवेरा को पेस्ट बनाइए, पेस्ट बना के उसी में मिक्स कर दीजिए। अब क्या करना है गाइस कि अब आपके पास नेचुरल एलोवेरा आ गया है, तो फेनोग्रिक सीड का जो मेथी का दाने का जो पानी था उसमें एलोवेरा जेल मिलाना है, मिक्स करना है, और थोड़ा सा नारियल का तेल, मतलब कोकोनट ऑयल, उसमें मिक्स कर देना है एक चम्मच। मिक्स करने के बाद अपने पूरे स्कैल्प पे अच्छे से 5-10 मिनट के लिए पूरे स्कैल्प पे मसाज करना है गाइस। इतना ध्यान रखिएगा कि आपके स्कैल्प में जरूर जाना चाहिए। 10 मिनट के लिए एकदम धीरे धीरे मसाज करना आपके लिए बहुत जरूरी है। उससे क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। और लास्टली आपको क्या करना है कि एक कॉम लेना है, कॉम से अपने बाल को कॉम कर लेना है, मतलब कि अपने बाल को झाड़ लेना है। झाड़ना क्यों होगा, तो उससे क्या होगा कि जब हम कॉम करेंगे तो उसका जो टिप है वो हमारे स्कैल्प में चुभेगा, और चुभने के कारण क्या होगा कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन और इम्प्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। तो और इसके बाद आपको क्या करना है गाइस कि इसे 1-2 घंटे के लिए बाल पे ही छोड़ देना है, और छोड़ने के बाद आपको शैम्पू कर लेना है। और इतना ध्यान रखिएगा कि अगर आपका शैम्पू नेचुरल है तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, अगर नेचुरल नहीं है तो आप शैम्पू का थोड़ा सा क्वांटिटी
कम लीजिएगा। ये आपको हर 3 दिन में करना है गाइस, 1 मंथ के लिए। और जब तक आपका हेयर फॉल ना कम हो जाए 1 मंथ तक आप बिल्कुल नहीं रुकेगा। इससे नेचुरली आपका DHT ब्लॉक हो जाएगा। मेरा भी हुआ है, मैंने ये बहुत बार ट्राई किया है। फेनोग्रीक सीड के पानी को मैंने अपने बालों पर लगाया है तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। इसलिए आप भी इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको फ़ायदा किया कि नहीं गाइस। लेकिन मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको जरूर फ़ायदा करेगा। ये नेचुरल तरीका है जिससे आप अपने DHT को ब्लॉक कर सकते हो। तो बस गाइस, थैंक यू सो मच आज के लिए, बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आता है मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल ही मत भूलिएगा। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।